ठीक है, अभी इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, हाउ विल यू रीड डेटा फ्रॉम एक्सेल, डेटा फ्रॉम एक्सेल, ठीक है, तो आपका आंसर विल बी यूजिंग अपाची पीओ एम जार्स। ठीक है, जार फाइल क्या होता है पता है, जावा आर्काइव होता है जिसमें इसका बैकएंड का कोड होता है। जैसे कि अभी हम लोग ट्राई कर रहे थे रिमोट को क्लोज, रिमोट से टीवी बंद करने का, लेकिन हो रहा था क्या, नहीं, इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है, जैसे मैं बटन दबा रहा हूँ लेकिन उसके पीछे की मेजर कॉल नहीं हो रही थी तो इसीलिए मेरा टीवी बंद नहीं हो रहा था। सेम लॉजिक, अगर मुझे एक्सेल का फाइल रीड करना है तो मुझे इस सीरीनेम का मतलब इस जावा का और एक्सेल के बीच में कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उसका कहीं पे तो कोड लिखना पड़ेगा, वो कोड कहाँ पे होगा, वो कोड रहेगा इसके पैक, ये दिख रहा है आपको अपाची पीवाई नाम के फाइल में उन्होंने रखा है, राइट। तो ये आपका इंटरफेस हुआ बेसिकली। सो हाउ विल यू रीड द डेटा यूजिंग अपाची पीवाई, समझ में आया, किसी को डाउट है इस केस में। चलो अभी हमें क्या करना है, मुझे इसका डेटा रीड करना है, इस लोकेशन का कौन सा डेटा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए। मान रहे फाइल मेरे क्लोज है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला यूजिंग हैश मैप नहीं पाथ वो हैश मैप नॉर्मल मैनुअली आप क्या कैसे करोगे, फाइल पाथ असाइन में जाना करेंगे। पड़ेगा, पहले इस फाइल को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, बराबर है, तो मेरा फाइल ओपन हुआ, बराबर है, उसके बाद मुझे वर्कबुक पे जाना पड़ेगा क्योंकि ये जो एक्सेल शीट होती है इसको क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक के बाद हमें क्या करना पड़ता है, मुझे कौन से शीट पे काम करना है, शीट वन पे करना है, शीट टू पे करना है, तो मुझे पहला शीट पे काम करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं वर्कशीट बोलते हैं। तीसरा होता है मुझे इस वर्कशीट के बाद मुझे रोस यूज करना पड़ता है, फर्स्ट रो लेना है, सेकंड रो है, कौन सा रो लेना है, तो मुझे रो लेना पड़ेगा रोज। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका कॉलम लेना पड़ेगा, राइट। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मेरा ये जो लोकेशन है इसका लोकेशन क्या है, कोई मुझे बताएगा, वन वन है, राइट, ये आपके लिए वन वन रहा, लेकिन जावा के लिए इसका लोकेशन क्या रहेगा, जीरो जीरो रहेगा, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, क्योंकि हम लोगों ने जब भी टेंथ में भी हम लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ा होगा, उस मैट्रिसेस हम लोग जो वैल्यू भरते थे याद है, वन कॉमा टू कॉमा ऐसा कुछ, तो टू कॉमा फोर कॉमा फाइव, ठीक है, ये हम लोगों का मैट्रिसेस होता था, राइट। उस केस में अगर आप देखो कि इसका हम लोग लोकेशन कैसे पढ़ते थे, इसका लोकेशन वन जीरो कॉमा वन वन, इसका लोकेशन वन कॉमा टू, इसका वन कॉमा, कॉमा थ्री सॉरी ओके, इसका लोकेशन क्या रहेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका लोकेशन फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम सेम थिंग यहाँ पे भी होता है, तो यहाँ पे बस स्टार्टिंग होता है जीरो से, तो इसका लोकेशन क्या रहेगा, जीरो कॉमा जीरो, इसका जीरो 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 कॉमा कॉमा वन वन, जीरो जीरो कॉमा कॉमा वन जीरो कॉमा टू, जीरो कॉमा टू वन कॉमा वन वन कॉमा कॉमा जीरो जीरो, वन कॉमा जीरो वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा वन, टू सब वन लोग कॉमा एग्री थ्री पॉइंट पे, ठीक है। यस अभी मुझे ये करने के लिए जावा कौन सी लैंग्वेज पता है, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, विदाउट ऑब्जेक्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो मुझे हर चीज का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, मुझे इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, समझ में। तो पहले मुझे कोड क्या करना पड़ेगा बताइए, मुझे उस लोकेशन की फाइल को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को ओपन करने के लिए बताना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का पड़ेगा, उस फाइल का क्या आएगा, वर्कबुक आएगा, उसके बाद मुझे उसके अंदर जो भी वर्कशीट है उसको ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो मैं उसके अंदर की सारी चीजें कर सकता हूँ, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर के रो का ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसके जो भी वैल्यूज है उसके एक्सेस कर पाऊंगा, ये या ये या ये, राइट है। तो इससे पहले एक चीज करनी पड़ेगी, मैं रो का तो ऑब्जेक्ट बना लूंगा लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हर रो का ऑब्जेक्ट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है यहाँ पे, हर रो का ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पहले ये जानना पड़ेगा भाई इस शीट में कितने रोज है वो काउंट करना पड़ेगा,
और इस शीट में कितने कॉलम्स हैं वो भी काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा, एक काउंट लेना पड़ेगा, इंट काउंट। इसका क्या करेगा, रो काउंट लिखता हूँ, इसका मुझे काउंट लेना पड़ेगा। इसके एक मेथड है, लास्ट यूज रो काउंट, रो। इससे क्या होगा, लास्ट की इस एक्सेल शीट में लास्ट की कौन सी रो यूज हुई है, ये वाली हुई। इसके बाद कोई डेटा है क्या, नहीं। तो इसका लोकेशन क्या रहेगा, रो, रो का बोलो, कॉलम का नहीं। 0.1 इसका लोकेशन रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। नहीं, इसके पॉइंट से अगर देखा जाएगा इसका लोकेशन 3 रहेगा। ये आपको रिटर्न कितना करेगा, 3, क्योंकि ये लेन का एंड पर है। मतलब समझ रहे, जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम किया था, एचटीएल का प्रॉब्लम किया था, उसमें लेन दिखा था, वो लेन दिखा था 14, लेकिन इंडेक्स स्टार्ट होता 0, तो मुझे कम करना पड़ा। तो उसी केस में इसको वो काउंट करेगा, उसको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम भी काउंट करने पड़ेंगे, कितने होंगे, लास्ट कॉलम यूज, वो भी क्या आएगा, 3 आएगा। अभी मुझे कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, कैसा, 0.0 वाला, फिर 0.1 वाला, 0.2 वाला। बड़ा इससे क्या होगा बताइए, इससे मैं इस लोकेशन का डेटा ले सकता हूँ, इसका इस लोकेशन का डेटा ले सकता हूँ, इसका इस लोकेशन का डेटा ले सकता हूँ, बराबर है। इसी वैसे मुझे करना पड़ेगा, फिर मुझे फर्स्ट रो का डेटा लेना पड़ेगा, फिर मुझे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का डेटा लेना पड़ेगा, फिर मुझे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का डेटा लेना पड़ेगा, फिर अगर मान लो और एक रो होती है तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का डेटा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम का डेटा, सेकंड रो का थर्ड कॉलम का डेटा। सॉरी, यहाँ पे 1 लिखना था, यहाँ पे 0 लिखना, बराबर है। टू हाँ सर, बोलिए, टू हाँ बोलिए, कॉमा हाँ टू बोलिए, सेकेंड रो सेकेंड राइट। कॉल फिर अभी मुझे ये करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, तो आपके लिए मैं एक छोटा सा कोड और लिखता हूँ ताकि आपको और इजी बन सके। तो मैं पहले वो वाला पैटर्न दिखाता हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ये कोड सबको दिख रहा है, तो दिख रहे हैं। एक मिनट, मैं इसका ना थोड़ा चेंज करता हूँ, प्रोजेक्ट का प्रेफरेंस में जाके, नहीं, प्रोजेक्ट में जाके विंडोज में प्रेफरेंसेस, इसका जनरल में रेफरेंस में जाते हैं, इसका जो थीम है ना इसको डिफॉल्ट करता हूँ, डार्क करता हूँ, तो सारा ब्लैक हो जाएगा। सर इसका कोड जार फाइल सेव करने के बाद ऑटोमेटिक जनरेट होता है क्या? टाइप करना पड़ेगा इसको ये रो कॉलम का एक्सेल शीट? ये वाला क्या मतलब, हाँ सर। मैं बताता सर आपको इसके बारे में, डोंट वरी, ठीक ओके है। ओके, अभी मैंने क्या किया, देखिए सेम लॉजिक से, अभी मुझे पहले बताना पड़ेगा राइट, कि कौन सी फाइल ओपन करना है, कौन से लोकेशन की फाइल ओपन करना है। तो मुझे पाथ देना पड़ेगा उस फाइल का, याद रखिए पाथ देते समय आपको विथ एक्सटेंशन पाथ देना होता है। विथ एक्सटेंशन मतलब कैसा, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट, यहाँ पे मैं दिखता हूँ कॉपी एज पाथ करता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका पाथ कैसा आएगा, तो आपको ये पाथ देना होता है। क्या दिया मैंने, देखो सी ड्राइव में Bash 32 में test.xls नाम का देना पड़ता है, मतलब आपको विद एक्सटेंशन देना पड़ता है, अगर एक्सटेंशन नहीं दोगे तो आपका काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने क्या किया, उस फाइल का पाथ दे दिया, राइट है, और ये फाइल का पाथ देके मैंने इसको लेके यहाँ पे डाल दिया। तो उससे क्या बताएगा, वो फाइल इनपुट स्ट्रीम को से पता चलेगा उस लोकेशन पर फाइल है क्या। अभी हम लोग आपके लिए एक छोटा सा ट्राई करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ ना, आप मुझे बताइए ये लोकेशन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है क्या मेरे फोल्डर में, नहीं। तो जावा कुछ नो तो जावा ट्राई करेगा वो फाइल ढूंढने का, उसको फाइल मिलेगी क्या, नहीं। वो कुछ तो बोलेगा भाई क्या कर रहा है, देखते हैं हम लोग। फाइल नॉट फाउंड। देखिए यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे ट्राई करेगा, वो बताएगा फाइल नॉट फाउंड करके। इसको पूरा रन करता हूँ, क्या आया, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड इस स्पेसिफिकेशन, दिख रहा है कि नहीं। हाँ,
ते तुम्हाला पडदे ओढा लागतो कशा क्लिअर अंदर त्याला शोध एक मिनिट बघा मोबाइल पर 2 मिनट भेजिए मेरे ऑफिस का छोटा सा काम, ये 2 मिनट 2 मिनट तुम्हें से गाँव बारी कर दे। ओके नाउ वी विल स्टार्ट। ओके तो आपको ये समझ में यहाँ पे देख लो, सिस्टम कैन नॉट स्पेसिफाई द पाथ। तो पहले हमें क्या करना पड़ रहा, उस फाइल का लोकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट था जो हम लोगों ने दिया, राइट? ये वाला लोकेशन, अगर लोकेशन गलत है तो डेफिनेटली जावा बोलेगा मुझे पता नहीं आप क्या करना चाहते हो, कौन से लोकेशन का, तो ये देना इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने दे दिया। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैंने फाइल का पाथ तो ठीक कर दिया। तो उस फाइल लोकेशन का गया, दिख रहा है आपको ये पूरा उसने उसका वर्कबुक का बनाया ऑप्शन, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखिए शीट का नाम क्या है, शीट 1 है। मैं बता रहा हूँ मुझे कौन से शीट पे काम करना है, तो मैंने यहाँ पे कौन से शीट पे काम किया, तो उसने बताया मुझे कौन से शीट पे काम करना था, शीट 1 पे काम कर, सब लाइब्रेरी पॉइंट पे। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए, मुझे हर एक का डेटा चाहिए, लेकिन डेटा होने के लिए मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा उसमें एक्चुअली रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने ये स्टेप किया, अगर ऑब्जर्व करो ये मेरा डन कर दिया मैंने, ये भी मेरा डन हो गया, ये भी मेरा डन हो गया, ये भी मैंने एग्जीक्यूट किया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का काउंट कर रहा हूँ, रो कितने कॉलम कितने हैं, ठीक है? देखिए रो कितने उसके पास, 3 रोज है, बराबर है। कॉलम कितने उसके पास, 3 है, अंदर गया। अभी हम लोग क्या करें, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है, हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। रो नाउन की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे आ गया। तो वो बता रहा है कि इस पॉइंट से अगर देखा जाएगा तो मेरा 0th लोकेशन पे ये है, फर्स्ट लोकेशन पे ये है, सेकेंड लोकेशन पे है। अभी हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, तो देखिए आई की वैल्यू क्या आई, तो उसने देखिए वो पूरा डेटा ले लेगा, ठीक है? देखो यहाँ पे मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, फिर रो रो का ऑब्जेक्ट बनाया, राइट? और इसके बाद ये कॉलम का ऑब्जेक्ट आया। तो तुम लोगों को कुछ याद है क्या, जब भी कभी हमें सेल से काम करना होता है तो मुझे कोड कैसा करना पड़ेगा, एक बार रो का करना पड़ेगा फिर कॉलम का करना पड़ेगा, यही इटरेशन होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट और आई की वैल्यू क्या है, अभी 0 है, जे की वैल्यू क्या है, 0 है, तो रो और 0 मतलब आप इस लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, 0,0, 0,0 यानी क्या आएगा, उसने क्या किया, योगेश किया। अभी इसने योगेश को दिया, इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। अगर ऑब्जर्व करो, मैं यहाँ पे उसको बोला हूँ कौन सा रो को डेटा लेने के लिए बोला है, i+1 का। ऐसा क्यों किया होगा मैंने, क्योंकि हमारा एक्सेल में हमेशा फर्स्ट रो जो होता है क्या होता है, उस कॉलम का नाम होता है, मुझे डेटा से खेलना है ना कि कॉलम के नाम से, राइट? मतलब जैसे कि मुझे इससे मतलब नहीं है, ये मेरे लिए है कि फर्स्ट नेम पे क्या होना चाहिए,
कॉलम पे यूजर नेम होना चाहिए, पासवर्ड में क्या होना चाहिए, मतलब पासवर्ड कौन से कॉलम में, तो मेरा एक्चुअल डेटा कौन से रो से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड रो से, लेकिन सेकेंड रो के का। पॉइंट से कौन से रो से स्टार्ट होगा, वन से, इसीलिए मेरा स्टार्टिंग हुआ यहाँ पे जीरो का, लेकिन मैं यहाँ पे वन कर रहा हूँ वन का, बराबर है। तो यहाँ पे उसने क्या स्टोर किया बताइए, इस लोकेशन पे क्या है, योगेश था, तो उसका 0.0 पे, 1.0 पे कौन सा वैल्यू है, योगेश है, तो देखिए यहाँ पे योगेश है डेटा में, देखिए आया कि नहीं योगेश, तो नेक्स्ट इटरेशन पे जैसे मैंने बताया था, हमेशा फॉर लूप में अगर दो तीन फॉर लूप होते हैं, हमेशा इनर फॉर लूप पहले चलता है, राइट, तो आई की वैल्यू 0 ही रहेगी, जे की वैल्यू क्या रहेगी, अभी 1 रहेगी, तो उसने सेल की वैल्यू दे देगी, अभी क्या है, वाटरमेलन लिखा है, अगर आप यहाँ पे भी देखो तो उसने वाटरमेलन दिया, और हम इसको भी स्टोर करें, वैल्यू क्या है, वाटरमेलन है। इसके बाद इसकी क्या वैल्यू रहेगी, पास रहेगा, इसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत, ऑल सेट है, समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है अभी, इसी वे से हम क्या करेंगे, वन बाय वन डेटा रो, अभी बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा सर ये दो फॉर लूप क्यों हुए हैं, राइट, हम इसके बारे में देखते हैं ऐसा क्यों किया मैंने, इसके पीछे की स्टोरी सुनते देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ये फॉर लूप समझ में आया उसको ये लॉजिक समझ में आएगा, और आप सबको ये डिबग करके दिखाना है मेरे को, इसका लॉजिक कैसे चलेगा, हाँ नितिन बोला कि राइट ना, एक नंबर मतलब तो सब फोटो बटन मतलब काम कर रहा, हाँ हाँ राइट एग्जैक्टली, ना एवढंच आहे झालं माझं काम, फक्त तुम्ही 4 वाजता कनेक्ट होणार ना का, नाही मला थोडस काम होतं ते, मला एक लाईव्ह चेक करायचं डेटा, ठीक हो चालते। हाँ तुम्ही इथपर्यंत ज्यांना माहिती नाही ते डिबग करून दाखव,
सॉरी हो पोजीशन ते मरते था पर ठीक है। अभी देखिए मुझे क्या बताना है, जैसे मैंने बताया अभी हम वही सीनर लेते हैं हम लोग 3 का, राइट। हमारे पास रो कितने थे, 3 रोज थे। कॉलम कितने थे, 3 कॉलम थे, राइट। राइट, अभी सबको ये तो पता है सबको कि मेरा फर्स्ट रो जो होता है वो किसके लिए होता है, कॉलम नेम के लिए होता है। दैट इज नॉट माई टेस्ट डेटा, राइट। वो टेस्ट डेटा होता है अपना, नहीं वो बस मेरे आइडेंटिफिकेशन लग के होता है कि भाई ये कॉलम किसके लिए है। सब लाइक रहे हो, तो मेरा रो एक्चुअली स्टार्टिंग कितनी कहाँ से होगा, 1 से होगा। जी बस नहीं लेकिन मेरा कॉलम के इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, मेरा फर्स्ट कॉलम में डेटा रहेगा ना, उसका नंबर क्या रहता है, 1 रहेगा, 0 रहेगा। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो जो मुझे ये और फॉर लूप, और ये फॉर लूप कुछ अलग नहीं है, याद रखिएगा, ये दोनों फॉर लूप एक ही है, याद रखो ये बताना है मेरे को। तो यहाँ पे बस डेटा का कैसे चल रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट डाला, ठीक है। देखो इनिशियल आई की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, विच इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हुआ। इसके अंदर आया, जे की वैल्यू क्या सेट हुई, 0 सेट हुआ, विच इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, इसके लिए इसके अंदर है। आई की वैल्यू क्या है, 1 है। जे की वैल्यू क्या है, 0, तो ये रन करेगा, तो 1,0। अगर आप इसको यहां से कंपेयर करोगे तो मेरा भी वही हुआ है, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 आया, इसकी वैल्यू 0 आया, बराबर कि नहीं। और उसने इसका डेटा उठाया, देखिए यहाँ का दिख रहा आपको, तो सेल की वैल्यू हम लोग उठा रहे हैं, बराबर। गेट सेल जे, देखिए रो का उठाया, फर्स्ट रो उठा, उसका 0 लोकेशन उठा, उससे क्या हुआ, मेरा पूरे सेल की वैल्यू आके मिल गई, ऑल सेट है। उसके बाद क्या हुआ, ये फॉर लूप का यहाँ पे आया, क्योंकि ये फॉर लूप अभी तक एंड नहीं हुआ, ये फॉर लूप कब एंड होगा, जब जे लेस देन 3 की कंडीशन फेल होगी तब, फिर 1 के लिए आएगा, उसने प्रिंट किया, फिर जे की वैल्यू भी 2 होगी, चल रहा है। अभी नेक्स्ट में जे की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, उसके लिए मेरा कंडीशन क्या होगा, फेल होगा, इसीलिए उससे बाहर जाएगा, बाहर गए। अभी ये नेक्स्ट लाइन पे आया, तो इसी तरह अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां से मेरा फर्स्ट पूरा सेल चल रहा है, बराबर ना। उसने पूरा योगेश, जो भी वाटरमेलन और पास, उसने वो दे दिया आपको, योगेश वाटरमेलन पास, उसने वो दे दिया, बराबर है। अभी मुझे सेकंड रो के लिए जाना पड़ेगा, अभी मुझे रो के बारे में सोचो, राइट। तो मुझे क्या बढ़ना चाहिए, आई बढ़ना चाहिए, जे बढ़ना चाहिए, आई, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैं आया और मेरा यहाँ पे आई की गया, जे की वैल्यू बढ़ गई। अभी आई की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगा, वैल्यू तो फिर से इनिशियल होगी 0 से, देखिए फिर 3 के लिए चलेगा, अभी 2 के लिए चला, क्यों, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग मैंने 1 से किया था। इसका इंडेक्स क्या है, 1 है, इसका इंडेक्स क्या है, 2 है, इसका इंडेक्स 3 में कोई डेटा है क्या, नहीं, हो गया फिर। समझ में, ये फॉर लूप का कोड बहुत, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा मैं कोड आपको दूंगा, आपको इसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ेगी। सर हाँ सर, 5 मिनट नहीं दे तो नहीं देते, पर लगभग ठीक है। तो ये कोड मैं आपको ये दूंगा, ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है, और इसका बहुत सारा प्रैक्टिस करो, काम हो जाएगा। ठीक
है, सब लोग एग्री पॉइंट पे, इसको नो डाउट है क्या? ठीक है, तो अभी आप सबको ये वाला प्रोग्राम रटना है और शाम में मुझे भेजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,